केंद्रीय मंत्री और लोजपा के नेता रामविलास पासवान का निधन हुआ है। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर इसकी सूचना दी। पासवान लंबे समय से बीमार थे, उनकी सेहत में लगातार गिरावट आ रही थी। हाल ही में उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में दिल का ऑपरेशन करवाया। पासवान पिछले कुछ सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। उनके दिल व किडनी ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। इस वजह से कुछ दिनों से उन्हें आईसीयू में एक्मो मशीन के सपोर्ट पर रखा गया था। गुरुवार की शाम 6:05 में उन्होंने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 74 वर्ष के थे। अभी मिल रही जानकारी के अनुसार शुक्रवार को रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पक्ष विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं व केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने पिता की मृत्यु के बारे में जानकारी देते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने गुरुवार को ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, जहां भी आप हैं। मिस यू पापा।